नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। यहां पर आप देख सकते हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं पुरानी पेंशन बहाली पर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एनपीएस की जो कटौती है वो बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। मतलब अब से नई पेंशन के तहत आपकी जो कटौती है वो होगा 12% का। और इस आदेश में और क्या क्या लिखा है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरलता से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर, इसके तहत देखिए यहाँ पर आर्डर निकला हुआ है ना, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 8/4/2022। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर और छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर विषय में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दिनांक 1/11/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती समाप्त की जाए। मतलब नवीन पेंशन योजना एनपीएस जिसे हम लोग बोलते हैं उसकी कटौती को बंद करना है, क्योंकि अब से जो पुरानी पेंशन योजना है उसके आधार पर कटौती होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है राज्य शासन द्वारा 1/11/2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना मतलब ओपीएस राज्य के कर्मचारी हेतु लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि इसका निर्णय कुछ दिन पहले ले लिया गया है, अब इसको इस माह से क्या करना है, लागू करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अतः दिनांक 1/11/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है उनके नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु की जा रही 10% की जो मासिक कटौती है दिनांक 1/4/2022, यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 1/4/2022 से जो माह अप्रैल 2022 के लिए भी देय है समाप्त किया जाता है। मतलब आपको अप्रैल से पुरानी पेंशन के तहत आपका क्या होगा, कटौती होगा और वेतन प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि जो तीसरा बिंदु है उक्त कर्मचारियों का अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जाए। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार की जो राशि है उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जावे तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित होने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाए। और आप सभी जानते हैं कि नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक प्राप्त होने पर आप जो है अपनी जो राशि है उसको बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, चाहे तो आप इस आदेश को इस प्रकार स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं और इसका आदेश को आप पूरा इस वीडियो को यहीं पर रोक करके पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।